मेरे पे बिलीव नहीं करा करते थे, लोग बोलते थे अरे तुम लड़की हो तुम क्या मुझे कामयाब बनाओगी, 16 साल की एज है तुम्हारी, 16 साल के तो मेरे बच्चे हैं, तो तुम मुझे क्या क्या काक किसका धन हरे कोयल किसको देत, मीठा राग सुनाए के जग अपना कर लेत। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूँ बिहार के आरा में और आप तो जानते हो पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हजारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। आज मैं जिस लीडिंग लेडी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, आप जानते हैं नारी शक्ति का पताका हमेशा बुलंद करता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में टहल करके, और आज मेरी मुलाकात यहाँ पे हो रही है एक जबरदस्त पर्सनालिटी से जिनका नाम खुशबू सिंह है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहला मेरा सवाल आपसे, उम्र बहुत कम है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपने छलांग लगा दिया है, पढ़ाई करने के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में आई, पिछले 1.5 साल से आपकी क्या उपलब्धि रही, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत कैसी हुई आपकी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी। जब मैंने इस बिज़नेस को देखा, मुझे इस बिज़नेस को देखने का मौका मेरे अपलाइन प्रमोद कुमार गिरी सर के थ्रू मिला, एफबी के थ्रू। जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा, जब मैंने घर वालों को जा करके बताया तो घर वालों ने मुझे परमिशन नहीं दिया, लेकिन मैं इतने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे मेरे पापा महीने का 5 से 10 हज़ार भी नहीं कमाते थे। लेकिन सर ने मेरे को एक बात बताई थी कि खुशबू मैम, अगर आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप नेम फेम मनी बना सकते हो। ऐसा लोग कहा जाता है, मेरे को लोग कहते हैं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चॉइस किया, आपके पास तो ढेर सारा ऑप्शन था। क्योंकि जो स्टूडेंट रहते हैं सर, उनके पास में तो ढेर सारा ऑप्शन रहता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के वो धूम मचा सकते हैं। मेरे पास टीचिंग का भी ऑप्शन था, मेरे पास आईएएस टीचर्स का भी ऑप्शन था, ऐसे बहुत। लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए चॉइस किया क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमें आम इंसान से खास इंसान बनने का मौका देता है। हम किसी और जगह पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोई गारंटी नहीं रहता है कि हमें जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मात्र 3 साल पूरी शिद्दत के साथ देते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग सफलता देती है, तो देती है 1001% देती है सर। आप 3 साल की बात करें, आपने 1.5 साल के अंदर ही धमाका मचा दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा सा उपलब्धि अपनी बताएं कि कितना पैसा आपने यहाँ से कमाया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मेरी 1.5 साल की अर्निंग समथिंग 5.5 लाख रुपए हो चुकी है, और मेरी जनवरी मंथ की इनकम 1,20,000 रुपए गई, और प्लस में मैं मनाली अचीवर भी हूँ। आप सब तालियां नहीं बजाएं, इतनी जबरदस्त आपने अचीवमेंट करी। 1.5 साल के अंदर आपने 5-5.5 लाख से ज्यादा इनकम ली, और भी आपकी जो इस मंथ की जो चेक आई है 1,20,000। बहुत सारे लोग डर जाएंगे क्योंकि जो नौकरी की तैयारी करने वाले हैं 25 से 50 हज़ार की सोच है, अब तो और भी पैसा कम हो गया, पेंशन बंद होगी, सारी चीज़ें बंद हो गई। बिल्कुल। एक मेरा और सवाल है कि आप बिलोंग करती हैं, आपकी जन्मभूमि वाराणसी है। यस सर। आप बिहार के आरा में रह के बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल सर। वहाँ से यहाँ आकर के बिजनेस कर रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ लोगों को जाकर के फील्ड नहीं कर सकती, लड़कियाँ अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियाँ टीम को भी सपोर्ट कर सकती हैं। अगर नारी शक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो दुनिया के हर किसी कोने में रह करके वो बिजनेस कर सकती है और अपने नेम फेम को बना सकती है। एक नारी सब पर भारी। यस सर बिल्कुल। एक नारी सब पे भारी। सब पे भारी। बिल्कुल सर। और आप भारी पड़ गई हैं। बिल्कुल सर। 1,20,000 की इनकम। बिल्कुल सर। क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके, पहले से ड्रीम्स आपके थे? बिल्कुल। या फिर अब आपके ड्रीम्स सपने बड़े हो रहे हैं? एक्चुअल में सर, कि जब मैं बचपन से ही वैसे हालातों में मेरी परवरिश हुई है जहाँ पे बहुत बड़े सपने नहीं होते, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग आने का मैंने सपना देखा, और जब मैंने मीटिंग वगैरह अटेंड की, जब मैंने प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया, जब मैंने लोगों को देखा, भाई साहब मेरे से कम एज के लोग अपना जब अपना करियर बना सकते हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। बस क्या करना है, हमें अपनी अपलाइन को बातों को फॉलो करना है। और मैं बताना चाहूँगी सर, अगर हमने अपने अपलाइन की बातों को फॉलो कर लिया, अगर जो जो वो बताया अगर हमने कर लिया, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जिसने अपने अपलाइन पे भरोसा किया है, अपने खुद को उनको समर्पित किया है, वो अवश्य कामयाब हुआ है सर। कामयाब हुआ। बिल्कुल। रिजल्ट नजरों के सामने है। बिल्कुल सर। आप बिल्कुल, जब शुरू आपने किया होगा तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, बड़ा दर्द भरा सफर रहा होगा। कभी कभी अपलाइन के पास ये सवाल जवाब जाते होंगे कि सर बिजनेस नहीं उठ रहा है, लोग सुनते नहीं, इग्नोर कर देते, मना कर देते, लोग बोलते छोटी बच्ची हो, है ना, जाके तैयारी करो, कोई पढ़ाई वढ़ाई कर लो। मैंने दुनिया देखी, इस तरह की बातचीत भी लोग करते रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन आप टिकी रही। बिल्कुल, मैं टिकी रही।
और बड़ा कर दिया। बिल्कुल, लोग मेरे पे बिलीव नहीं करा करते थे, लोग बोलते थे अरे तुम लड़की हो तुम क्या मुझे कामयाब बनाओगी, 16 साल की एज है तुम्हारी, 16 साल के तो मेरे बच्चे हैं तो तुम मुझे क्या क्या कामयाब बनाओगी। मेरे साथ जो बड़े बड़े लोग रहा करते थे वो मेरे साथ ज्वाइन करना पसंद ही नहीं क्या करते थे, क्योंकि उनको डर सी लगी रहती थी यार ये लड़की है मुझे क्या सपोर्ट करेगी। और उसमें भी आप छोटी। बिल्कुल, मैं छोटी सर थी। बिल्कुल, उम्र भी कम। बिल्कुल, तो लोग तो लोगों के अंदर अहंकार और ईगो रहता है कि बताइए मैं इनसे बड़ा हूँ, इनके सामने झुकूंगा, इनको मैम बोलूंगा। बिल्कुल, लाहौल बिला ऐसा हो सकता है। ऐसा लोग बोला करते थे, लोग बोला करते थे पहले खुद तो कामयाब हो जाओ फिर हमें बताना, ऐसे लोगों ने आज, बोला। आज आज लोगों का नजरिया बदला या नहीं? बिल्कुल सर, इतना बदल गया है कि जो लोग मेरे से कहा करते थे कि तुम्हारे साथ मुझे काम नहीं करना है, वो लोग कहते हैं मैम अगर मेरे अपलाइन होनी चाहिए ना तो सिर्फ आप जैसी होनी चाहिए। अगर आप 1,20,000 कमा सकते हो एक लड़की होकर के, तो अगर हम आपके संगत में रहेंगे जी तो हम भी कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, कंपनी डज इफेक्ट, संगत ही अपना असर छोड़ती है। आज आपको प्राउड फील होता है? बिल्कुल। अच्छा, आपको होता नहीं होता, आपके घर वालों को होता ही नहीं? बिल्कुल, जिन फैमिली वाले मेरे पे बिलीव नहीं करा करते थे, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे डैड ने मेरे को बहुत बोला था कि ये सब बिजनेस नहीं करना, स्टडी पे ध्यान दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मेरे डैड कहा करते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, मेरे डैडी कहा करते थे, कहा कर रहे हैं कि मुझे पता था तुम कर लोगी तभी तो मैं बोलता था तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब पापा भी वही है, लफ्ज भी वही है, बस कहने का तरीका चेंज हो चुका है। मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि अगर दुनिया में लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और हमारे जो भी लड़के लड़कियाँ वो भी कर सकते हैं सर। पूरे हिंदुस्तान से आपके पास कॉल आने वाली है। बिल्कुल, लोग फोन करेंगे, अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगे, बहुत सारे रायचंद, ज्ञानचंद, फकीरचंद भी आएंगे। यस सर, जो आपसे पूछेंगे आप सच में कमाती नहीं कमाती, कौन सी कंपनी करती, तरह तरह की बातचीत करेंगे, लोग अप्रोच भी करना चाहेंगे, क्या उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? बिल्कुल सर, 1001% मिलेगा। मिलेगा ना? बिल्कुल सर। और जो आपके साथ लगकर जिंदगी बदलना चाहेगा उसका तो सर मेरा ये वादा और दावा है कि उसकी जिंदगी 1001% बदलेगी अगर वो अगर इस सिस्टम को फॉलो करता है, मैं उनको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लेती हूँ सर। देख रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, खुशबू सिंह मैम का नाम है। इस मंथ की जो चेक है वो 1,20,000 की है, और 1.5 साल के अंदर मैम ने धूम मचा दिया और 5.5 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उम्र बहुत कम है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रही। नंबर मैम का डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, सिर्फ एक सवाल करेंगे, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस, आपके बिजनेस को मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।